24 के चुनावी माहौल पर बात करते हैं। लोकसभा चुनाव केरल में अब मायावती की हुंकार भरने वाली है। बसपा सुप्रीमो मायावती वेस्ट यूपी की 12 लोकसभा सीटों पर 10 बड़ी रैलियां करेंगी। बहन जी 14 अप्रैल से फील्ड में उतरेंगी और लगातार ताबड़तोड़ रैलियां होंगी। इसमें पहले और दूसरे चरण के मतदान वाली लगभग सभी लोकसभा सीटों पर बहन जी रैली कर जनता के बीच पहुंचेंगी, दलितों को साधने का प्रयास करेंगी। रैलियों की शुरुआत 14 अप्रैल से होगी और मेरठ में 23 अप्रैल को मायावती बसपा कैंडिडेट देवव्रत त्यागी के लिए रैली करती हुई नजर आएंगी। अभी तक लोकसभा चुनाव से दूर नजर आ रही बसपा चीफ मायावती अब अपनी पार्टी की प्रचार कमान खुद अपने हाथों में लेने जा रही है। अभी तक बसपा प्रमुख मायावती के भतीजे आकाश आनंद अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभाएं कर रहे थे। अब खबर यह है कि मायावती बीएसपी प्रत्याशी यूपी वेस्ट में ताबड़तोड़ तरीके से प्रचार करने जा रही हैं। मायावती का पश्चिमी यूपी में 10 रैलियां करने का पूरा प्लान है जो 23 अप्रैल तक चलने वाला है। इस दौरान मायावती 12 लोकसभा सीटों को कवर करने के लिए 10 रैलियां करेंगी। मायावती के प्रचार शेड्यूल के अनुसार वो 14 अप्रैल मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में रहेंगी, जबकि 15 अप्रैल को रामपुर और मुरादाबाद में पहुंचेंगी। 16 अप्रैल को बिजनौर और नगीना में रैलियां होंगी। तो देखिए, अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती जब चुनावी मैदान में उतरेंगी तब क्या कुछ कहेंगी, ये देखना बहुत अहम होगा। और इसी पर आज विस्तार से बातचीत होगी। सबसे पहले हमारे साथ में खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं विजय दुबे जी, और इसके साथ ही हमारे संवाददाता लखनऊ से कौशलेंद्र उपाध्याय भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले कौशलेंद्र का रुख कर लेते हैं, उसके बाद आएंगे विजय जी के पास में। कौशलेंद्र, बीएसपी सुप्रीमो मायावती अब खुद अपने हाथों में चुनावी प्रचार की कमान संभाल चुकी हैं। इसके पहले भी उत्तर प्रदेश की बात करें तो वो मुख्यमंत्री रही हैं और एक वक्त पर उनका एक बड़ा दबदबा उत्तर प्रदेश में रहा है, उनका एक मजबूत वोट बैंक रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में लगातार गिरावट का भी सामना हुआ। हालांकि अब लोकसभा के चुनाव में ताल ठोक रही मायावती मजबूती के साथ में जब जनता के बीच जाएंगी तो अपने किन कामों को गिनाएंगी, कौन से वादे करेंगी, यह देखना बहुत अहम होगा। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि बसपा सुप्रीमो मायावती की जो रैली अब उत्तर प्रदेश में शुरू होने वाली है, 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती से शुरुआत होगी, जिसमें पश्चिमी यूपी में जो पहले दूसरे और तीसरे चरण के जो प्रत्याशी हैं उनके लिए लगातार रैली करेंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है क्योंकि नोएडा, इनका दादरी जो मेन गृह जनपद नोएडा है, वहां पे भी इनका कार्यक्रम लगा है और वहां पे जो रैली की जो शुरुआत होगी बसपा सुप्रीमो मायावती के ही तरफ से की जाएगी। अभी तक उनके भतीजे जो आकाश आनंद नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं उनकी भी रैली वहां पे नहीं हो पाई। नागपुर में जाके बसपा सुप्रीमो मायावती ने जो रैली की शुरुआत की है उसे एक बड़ा साफ संदेश दे दिया गया, जो अल्पसंख्यकों को, जो आरएसएस को लेके जो उनकी जो है मतभेद हैं उसको लेके अगर नागपुर में जाके बसपा सुप्रीमो मायावती ईद के दिन जो है वहां पे रैली करती हैं तो सीधा साफ संदेश अल्पसंख्यकों को दिया। वहीं जो उनके कोर वोटर हैं, जो उनके वोट बैंक जो कहे जाते थे, एक समय था 2007 से 12 के बीच में मुख्यमंत्री खुद जो है उनके बगैर किसी से समझौते से सरकार बनी और अकेले जो है मुख्यमंत्री पूरा 5 साल का जो है वो कार्यकाल पूरा किया। इसके पहले भी गठजोड़ में उनका जो है मुख्यमंत्री बन चुकी हैं, लेकिन जो 2007 से 12 के बीच में जो उनका कार्यकाल रहा उसके बीच जो उनकी पैठ थी, लोगों को जो विश्वास था सरकार चलाने का या जो चीजें उनका एक्शन लेने का जो अधिकारियों का था, जो नेताओं पे जो उनकी जो है जो पकड़ थी, वो कहीं न कहीं 2012 के बाद जब 2014 का इलेक्शन आया उसमें वो शून्य हो गया। यहीं आप देखेंगे 2014 के लोकसभा चुनाव में बसपा सुप्रीमो मायावती इतनी रैलियां की, तमाम उनके नेता जो है पूरे प्रदेश में दौड़ते, लेकिन एक भी सीट नहीं निकल पाई। तो वहीं 2019 में जब समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन होता है तो 10 सीट पे उन्होंने जीत हासिल की, लेकिन 2024 का जो इलेक्शन है अगर आप कैंडिडेट को भी लेके देखिए तो जो जिले जो इनके जो कोऑर्डिनेटर हैं, जो मंडल कोऑर्डिनेटर हैं, जो तमाम लोग हैं जो घोषणा कर देते हैं उस पर भी जब ऑफिशियली लिस्ट जो है वो बसपा सुप्रीमो मायावती की ही मुहर से जो है जारी की जाती है तब ये माना जाता है कि नहीं ये कैंडिडेट है। जैसे आज देखिए उनकी तीसरी लिस्ट आई, लगभग वो जो है पश्चिमी यूपी में हर सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार चुकी हैं। अब रैलियों के जो दौर है उत्तर प्रदेश में, जैसे 14 अप्रैल
से जो शुरुआत वो करेंगी वो लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हर जगह दो जनसभाएं तीन जनसभाओं का उनका कार्यक्रम रखा गया और ऐसी जनसभाएं जो है अभी आपको बताएं जो 15 तारीख को अभी कहा जा रहा है कि मुरादाबाद और शामली जो आसपास के जिले जो लोकसभा क्षेत्र है उसमें तो 15 तारीख का भी कार्यक्रम इनका एक और जगह लगा है जो बीसलपुर पीलीभीत में जिससे शाहजहांपुर और जो है पीलीभीत का जो लोकसभा क्षेत्र है दोनों कवर हो पाए। तो ये लगातार जो रैलियों का जो इनका दौर अब शुरू होगा 14 अप्रैल से ताबड़तोड़ है और लगातार है और एक एक दिन में दो दो तीन तीन रैलियों का जो है इनका कार्यक्रम लगने जा रहा है और उसकी पूरी तैयारी की जा रही है। यही नहीं उनका अन्य राज्यों में भी कल उनकी जो रैली जो है उत्तराखंड में होने जा रही है। आपको याद होगा कि उत्तराखंड में भी जो है बहुजन समाज पार्टी के एक तरह का तमाम वोटर हैं, तमाम नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, तो कल वो उत्तराखंड में भी एक रैली करने जा रही हैं। कल वो महाराष्ट्र में कर ही चुके हैं, उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश और कर्नाटका में भी वो लगातार रैलियां जो है करती हुई आएंगी। बिल्कुल साफ तौर पर देखिए रैलियों का दौर जब शुरू हो रहा है तब उस रैली में संबोधन के दौरान क्या कुछ कहती है देखना बहुत अहम होगा। आपके पास लौटेंगे हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार विजय दुबे जी भी जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत सर आपका के न्यूज इंडिया पर। विजय जी, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जब से लोकसभा चुनाव का आगाज हुआ था या हम कह लें कि जब से बात होनी शुरू हुई थी तब से ही इनके स्टैंड को लेकर कई तरह की बातें हुई। पहले तो इनका इंडिया गठबंधन में जाने को लेकर कई तरह की बातें हो रही थी, हालांकि मायावती शुरुआत से स्पष्ट थी कि हम किसी के साथ इस गठबंधन में काम नहीं करेंगे और अंतिम दौर तक वो नजर भी आया। लेकिन अब इतनी मजबूती के साथ वो उतरेंगी, वो जनसभाएं करेंगी, वो जाएंगी अपनी सीटों पर, प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगी, ऐसी भी उम्मीद कम लगाई जा रही थी तब जब आकाश आनंद को कमान मायावती ने खुद सौंपी थी। लेकिन अब एक बार फिर से मायावती के भाषण सुनने को मिलेंगे, प्रत्याशियों के लिए वो क्या कुछ कहेंगी, हालांकि ये सबसे अहम बात होगी कि क्योंकि पिछले काफी वक्त से डीएक्टिव मोड में लगभग पार्टी चली गई है, बहुत कम वोटों पर या बहुत कम सीटों पर कह ले, महज एक सीट पर थी। तो ऐसे में बीएसपी सुप्रीमो अपने किन कामों को गिनाकर जनता से ये विश्वास उसका जीतेंगी कि उनको वोट दिया जाए, क्या कुछ कहेंगी जनता से कि हमें वोट दीजिए, कौन से नए वादे कर सकती हैं, आपको क्या लग रहा है क्या कुछ होगा उनके पास कॉन्टेंट? देखिए गर्मा जी, बीएसपी चूंकि एक दो टर्म का कह सकता हूँ कि उन्होंने मुख्यमंत्री के दौर उत्तर प्रदेश में देखे हैं और बहन जी का एक छत्र राज जो है एक लंबे समय तक उत्तर प्रदेश की राजनीति में खास तौर पे देखा गया है। लेकिन जो पिछले चुनाव हैं, खास जो आपका विधानसभा चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश का 2022 का या इसके पहले का 19 का चुनाव था, उसमें समाजवादी पार्टी के साथ बीएसपी थी, तो जो जो ओबीसी एससी एसटी का जो एक मतदाता समूह जो कि खास तौर पर बीएसपी का वोट बैंक माना जाता है, वो इसके साथ बीएसपी के साथ आने के साथ में दोनों कंबाइन हो गए और उस कंडीशन में 2019 में मायावती को 10 लोकसभा सीटें मिली थी। लेकिन अब आप अगर विधानसभा के नजरिए से देखें तो विधानसभा में चूंकि बहन जी पूरी तरह से इंडिपेंडेंट लड़ी थी और एक खास तौर पे जो प्रचार ये हुआ कि जो बीएसपी है वो बीजेपी की बीडीएम के रूप में काम कर रही है, तो वो सारी जो चीजें थी उसने बीएसपी को अच्छा खासा डैमेज किया। अगर मैं कहूं कि वो वोट बैंक खिसकता हुआ नजर आ रहा है बहन जी को, क्योंकि डीएक्टिव मोड जैसा आपने कहा ये सही है कि बहन जी की एक्टिविटीज या बीएसपी की एक्टिविटीज उतनी सक्रिय नहीं रह गई जितनी सक्रियता के साथ इसके पहले पार्टी दिखती थी। बिल्कुल, और हुआ ये है कि इस बीच में जो बहन जी के साथ जो बड़े फिगर्स थे, जो जिनकी पॉलिटिकल हाइट ठीक ठाक थी, चाहे वो नसीमुद्दीन सिद्दीकी की बात कर ली जाए जो कि कांग्रेस के साथ में है, या अभी सपा के साथ कई नेता जो हैं लगातार बीएसपी के जुड़ गए हैं जाकर के, और अब इस वक्त वो अखिलेश यादव के साथ दिख रहे हैं। तो अखिलेश यादव के साथ दिखने के साथ ही ये भी माना जा रहा है कि भाई जब नेता बहुत सारे जिलों के चले जाएंगे, बहुत सारे इनके बड़े नेता चले जाएंगे, तो पार्टी का जो एक मजबूत आधार था जो इन नेताओं के साथ जुड़ता है खास तौर पे, वो अल्टीमेटली जिस पार्टी के संग वो खड़े होंगे वो उनके संग चला जाएगा। पर ये जो क्राइसिस है वो मायावती जी को लगता है कि अब बहुत देर से ये ऐसा महसूस हुआ है कि उन्हें मैदान में उतरना चाहिए। उन्होंने अपने कैंडिडेट्स भी ऑलमोस्ट
वेस्टर्न यूपी में तो पूरी तरह से उतार रखे हैं, और कैंडिडेट्स जो हैं ये जैसे पिछले लोग जो विधानसभा चुनाव थे उसमें ये कहा गया कि साहब जो कैंडिडेट्स हैं वो उसी पैटर्न पे हैं जिस पैटर्न पे सपा के कैंडिडेट हैं, और कुछ जगहों पे खासतौर पे आजमगढ़ की बात कर ली जाए तो गुड्डू चौमाली जो जिसको जिसको उन्होंने उपचुनाव में उतारा था अखिलेश यादव के लोकसभा से इस्तीफा देने के बाद में, उन्होंने जो सपा के कैंडिडेट धर्मेंद्र यादव थे उनका ठीक ठाक सा एक वोट परसेंटेज अपनी ओर खींच लिया। बिल्कुल, अब बिल्कुल। हुआ ये कि उसमें समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन अब जो स्थितियां हैं वो थोड़ी सी बदली हुई है। वो बदली हुई स्थितियां इसलिए है कि कांग्रेस सपा उत्तर प्रदेश में साथ जुड़ी हुई है और एक एक साझा उम्मीदवारी का दौर है जिसमें कि एक उम्मीदवार बीजेपी के कैंडिडेट के सामने खड़ा हुआ है। अब बहन जी का एक तीसरा उम्मीदवार या और भी कोई उम्मीदवार आ सकते हैं तो उनका वजन कितना होगा? अगर उनके पास में वोट परसेंटेज खींचने की क्षमता नहीं होगी, उनकी वो जो राजनीतिक पकड़ जिसको कहना चाहिए आकर्षण जो मतदाताओं के करने का जो एक आधार होता है वो कहीं ना कहीं चाहिए होता है, तो बहन जी अगर उन कैंडिडेट्स को जो इन्होंने बीजेपी में जैसे पहले और दूसरे दौर के मतदान जो होंगे इसमें अप्रैल में और मई वाला, तो अगर वो कुछ प्रचार करती है तो हो सकता है कि इसमें कुछ ऐसे कैंडिडेट हो जिनको कि शायद सफलता मिले और सफलता के साथ में। लेकिन दिक्कत जो आ रही है वो ये आ रही है कि जो मुस्लिम मतदाता है वो किधर जाएगा, क्योंकि बीएसपी के पास भी एक ठीक ठाक वोट बैंक जो है वो मुस्लिम्स का भी एक परसेंटेज ठीक ठाक रहा है इनके साथ में। तो अब वो मुस्लिम वोट बैंक जैसे वेस्टर्न यूपी की बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहां की 40-40, 50-50% की जो है आबादी ऐसी है जो कि मुस्लिम आबादी को बिलोंग करती है, और वो एक माना जाता है कि वो एक तरफ मतलब एक उनका जो वोट 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 जो है वो जिस ब्लॉक में चला गया वो पूरी तरह से एक तरफा ठीक ठाक सा परसेंटेज चला जाता है उसके साथ में। तो अब देखना ये होगा कि जो बीएसपी का जो कोर वोटर है, कोर वोटर के साथ में क्या वो मुस्लिम मतदाताओं को भी अपनी ओर उनका रुझान जो है वो अपनी ओर कर पाती हैं। अब ये रैलियां जो हैं इस पे देखना होगा कि कैसी भीड़ आती है, किस प्रकार से रैलियों में किस प्रकार से लोगों को बिल्कुल बिल्कुल देखिए लोग किस तरीके से जुड़ते हैं ये देखना विजय जी बहुत अहम होगा। एक सवाल ये भी है कि देखिए आकाश आनंद एक नए चेहरे के तौर पर या ये कह लें कि उनके सामने एक बड़ा चुनाव है, तो ये उनकी भी परीक्षा होगी कि वो किस तरीके से पार्टी को अपने आगे बढ़ाकर लेकर जाते हैं, क्योंकि मायावती के बाद आकाश आनंद ही इस पार्टी में फिलहाल प्रमुख नजर आते हैं, स्वाभाविक सी बात है। तो उनके लिए जो एक ये उनका उनकी पहली परीक्षा हम कह लें वो इससे किससे कैसे निपटेंगे? देखिए आकाश आनंद को एक प्रकार से कहा जाए तो बहन जी ने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर रखा है, बिल्कुल, और वो पार्टी को चूंकि इसके पहले उनका कोई ऐसा व्यक्तित्व नजर नहीं आया जो कि राजनीति में बहुत अहम माना जाए या ये कहा जाए कि उन्होंने कुछ इलेक्शंस को लीड किया है, कुछ परफॉर्मेंस ऐसे राजनीतिक तौर पर अगर दिखते प्रदर्शन ऐसा होता जिसमें आकाश आनंद को पहले से मांग सकते थे, तो निश्चित तौर पर ये पहला ऐसा चुनाव होगा लोकसभा का खासतौर पर जिसमें आकाश आनंद की जो राजनीतिक सोच समझ है, जो उनका जो उनकी शैली होगी, जो लोगों तक पहुंचने का जो कामकाज का तौर तरीका होगा या जो सभाएं अभी खास तौर पे हुई हैं, तो ये चीजें अभी निश्चित तौर पे उनके लिए टेस्ट एंड ट्रायल वाली पोजीशन है। तो ये जो भी चीजें आएंगी उसमें आकाश आनंद ने अभी कुछ सभाएं की है वेस्टर्न यूपी में, तो ये देखा जाएगा कि किस प्रकार से लोग जैसे क्या वो बीएसपी के कोर वोटर उस प्रकार से पसंद करते हैं आकाश आनंद को जिस प्रकार से उन्होंने कि बहन जी को या मायावती के साथ जुड़े रहे। देखिए वेस्टर्न यूपी में एक और पेच है, वो पेच ये है कि बीएसपी के वोट बैंक को एक हद तक तोड़ने के लिए चंद्रशेखर आजाद और उनका जो उन्होंने अपना एक पार्टी बनाया है वो काफी हद तक वेस्टर्न यूपी में बहुत लंबे समय से लड़ता रहा है, एक्टिव रहा है, और जो वोट बैंक बीएसपी का है उसको डैमेज करने के लिए या उसको उस वोट बैंक को शेयर करने की स्थिति में है। तो बहन जी के लिए एक खतरा ये भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो है अगर वो सक्रियता नहीं बरतती है या ऊपर नहीं उठती है पूरी तरह से और लोगों के बीच नहीं पहुंचती है, रैलियां नहीं करती है, एक्टिविटीज नहीं बढ़ती है उनको, तो कई संकट बीएसपी के सामने आएंगे। बिल्कुल, तो ये है कि वोट परसेंटेज अगर शिफ्ट कर गया तो उनके मान्यताओं की दिक्कत आएगी। दूसरी बात यह है कि अगर वोट परसेंटेज कहीं शिफ्ट कर गया चाहे वो चंद्रशेखर
एक लिमिटेड वोट बैंक भी अपने बिल्कुल देखिए चुनौतियां बहुत सारी हैं और वक्त बहुत कम है, वैसे में बीएसपी चीफ इससे कैसे निपटती है ये देखना बहुत अहम होगा। कौशलेंद्र हमारे साथ में है, उनका रुख कर लेते हैं। कौशलेंद्र, अगर बात करें लखनऊ की, तो लखनऊ में भी बताया जा रहा है कि कार्यकर्ता जो है वो लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं, बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। जैसे कि अभी आपने सुना होगा विजय जी ने कहा कि बहुत सारी चुनौतियां हैं और अभी तक क्योंकि चुनावों के वक्त ज्यादा एक्टिव हो जाती है पार्टी हम कह सकते हैं या कार्यकर्ता। और देखिए दो टर्मों तक भले ही मायावती रही हूं मुख्यमंत्री, लेकिन उसके बाद से सत्ता में ना रहने के चलते कार्यकर्ताओं का मनोबल भी कम हो जाता है। तो अब जब बैठकों का दौर शुरू हुआ है, नई चीजें शुरू हुई हैं, तो ऐसे में क्या मजबूती मनोबल बढ़ रहा है कार्यकर्ताओं का? जी बिल्कुल, देखिए आपको बात बताएं कि पिछले 8 साल से पहली बात तो बसपा सुप्रीमो मायावती किसी सदन की सदस्य है। आपको याद होगा सहारनपुर में जो जाति संघर्ष हुआ था उसके बाद उन्होंने राज्यसभा में स्पीच देकर अपने राज्यसभा पद से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद से किसी भी सदन की जो है सदस्य नहीं है। और लगातार जो मीटिंग और जो वो दौर था, क्योंकि चुनावी माहौल में उसके बाद जो है 2017 के इलेक्शन आए, 17 के बाद 19 का इलेक्शन हुआ, फिर 22 का इलेक्शन हुआ, उन सब तमाम चुनावों में हालांकि अन्य राज्यों में भी उन्होंने अपने कैंडिडेट उतारे, लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं मिला। क्योंकि कार्यकर्ताओं की अगर अभी बात की जाए, जो इनके तमाम बड़े नेता थे, क्योंकि वो जो इनके जो कहे इनके आंख के तारे जो बसपा सुप्रीमो मायावती के थे, वो तमाम लोग छोड़ के दूसरी राजनीतिक पार्टियों में अपनी जगह बना लिए। और अगर वो गए तो अपने साथ जो उनके साथ जुड़े के नेता तमाम कार्यकर्ता, आज भी देखिए जो इनके कार्यकर्ता हैं, जो लोग हैं वो सिर्फ भीड़ में ही, जब ऐसी रैलियां, जो राजनीतिक रैलियां जब होती हैं तभी वो बसपा सुप्रीमो मायावती को देख पाते हैं, उसके पहले वो देखते नहीं। क्योंकि आपको कभी ये पार्टी सड़कों पे संघर्ष करती हुई नहीं दिखेगी। आप कभी भी इनका इतिहास उठा के देखिए, बहुजन समाज पार्टी कभी किसी मुद्दे को लेके या सरकार के खिलाफ बिल्कुल देखिए यही वजह रही कौशलेंद्र की, देखिए आम जनता ने भी कहीं ना कहीं नकारा और यही वजह रही कि आम जनता के बीच से अपनी जो पकड़ थी वो छोड़ती गई पार्टी, और पार्टी आज इस दौर में खड़ी है जहां पर पार्टी को अपने अस्तित्व की लड़ाई भी लड़नी पड़ रही है। बहुत शुक्रिया कौशलेंद्र, आपका वक्त की कमी, हमें अपनी चर्चा को यहीं पर रोकना पड़ रहा है। विजय जी आपका भी बहुत शुक्रिया आज हमारे चर्चा में जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती इस चुनावी माहौल में जब उतरेंगी, तब चुनावी अखाड़े में, क्योंकि वो पुरानी राजनीतिक कलाबाज रही हैं, कौन से दांव अपनाती हैं जिससे जनता उनके साथ आती है, ये देखना बहुत अहम होगा। 24 के चुनावी माहौल में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।